हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, सो क्या हाल है सबके? सब बढ़िया ना? स्वागत है आप लोगों का क्रैक पैक थ्री के एक और वीडियो में। और हाँ, इतने अच्छे सपोर्ट के लिए शुक्रिया। एक और चीज़, मैं क्रैक पैक थ्री ओरिजिनल खेलना खेल सकता हूँ, बट आप लोग मुझे पॉकेट एडिशन के लिए देखते हो। और बात रही इनर कोर वाले क्रैक पैक थ्री की, वो सबसे बोरिंग है, उसमें बस क्राफ्टिंग के काम होते हैं। और यहाँ पे डायमेंशन, प्लैनेट, स्पेस प्रोजेक्ट, इतने सारे काम होगा। सो आज एक न्यू डायमेंशन खोलने वाले हैं, उसके लिए अपने को चाहिए नेदर क्वार्ट्ज की ब्लॉक और टॉर्च। और बाकी के दो डायमेंशन के लिए हमें गॉड एंड एंजल आर्मर की ज़रूरत है। गॉड आर्मर से एक लेवल नीचे एंजल आर्मर। तो ये आ गया अपने पास एंचेंटेड टॉर्च। हमें यहाँ पे नेदर क्वार्ट्ज की ब्लॉक चाहिए। मैं नेदर क्वार्ट्ज की और कोई ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूँगा, तो अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनता है। और ऐसे मैंने क्लिक कर दिया, ये बन गया ब्लॉक। सो ऐसे हम लोग यहाँ पे एक नेदर पोर्टल जैसे बनाएंगे, और ऐसे जस्ट लाइक दैट ऐसे बन गया अपना नेदर क्वार्ट्ज की ब्लॉक। थोड़ा कम पड़ने वाला है, ठीक है, मैं लाता हूँ और इसे कंप्लीट कर देता हूँ। हो गए, तो अपना पोर्टल कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको लाइट अप करना है। एंड लाइट अप करने की एक ट्रिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्च को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे फेंकना है। ओके, दिखा देता हूँ हाथ में करके ही। सो ऐसे होल्ड करते रहना है, और ये आ गया अपना पोर्टल एक्टिव हो गया। और हाँ, याद रखना इसे एक्टिव करने के टाइम मोर डायमेंशन वाले वर्सन 2 पोर्टल उसकी बिहेवियर पैक हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। और पोर्टल में जाने से पहले आपने कीप इन्वेंटरी ऑन कर देना, जस्ट लाइक दैट। कॉज कीप इन्वेंटरी ऑन रहेगा तो आपकी सामान सिक्योर रहेगा। कॉज ऐसे टाइम हो जाते कि स्ट्रक्चर एंड आइलैंड ठीक से जनरेट नहीं होता और आप वॉइड में गिर जाते हो। सो अपने सामान की सेफ्टी के लिए ये कर सकते हो। और बाकी वहाँ पर जाने के बाद कीप इन्वेंटरी मैं बंद कर दूँगा, इसे हटा देते हैं, अंदर चलते हैं। जनरेट हो रहा है, कम ऑन, परफेक्ट। मुझे लगा सारे वर्ल्ड एक साथ जनरेट नहीं होने वाला, बट कोई बात नहीं, ये जनरेट हो चुका है। कभी कभी ऐसा क्लिचेस हो जाता है कि वर्ल्ड जनरेट में टाइम लेता है और हम लोग वाइट में गिर जाते हैं। सो इस चीज़ की मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बहुत लोग मुझे कमेंट्स में भी बोल रहे थे। और यहाँ पर फॉग वाले कुछ ग्लिचेस हो रहा है, तो उसे फिक्सिंग के लिए आपको ये टेक्सचर पैक यूज़ करना होगा टॉप पे। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इसे डाउनलोड करके टॉप पे ये अप्लाई कर देना। तो फिलहाल के लिए मैं सेव एंड क्वाइट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सेव एंड क्वाइट कर लेना अगर मॉड वाले अराउंड का यूज़ करना है। तो यहाँ से कीप इन्वेंटरी ऑफ कर देता हूँ। एंड रिसोर्सेज पैक में कुछ नहीं है, बिहेवियर पैक में आते हैं। और यहाँ से एक्टिव पैक में मैं ये वर्सन 2 मल्टी डायमेंशन इसे मैं नीचे कर रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मॉड वाले अराउंड को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे क्या हो रहा है। तो आप लोग चाहे तो नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। और नीचे कोई गिर गया था, आई डोंट नो किसने धक्का दिया। ओके, इसने धक्का दिया था। नीचे मुझे केचर जाते हुए दिखाई दिया, कोई बात है, ये वन शॉट किल हो गया। ओके, तो ये ऊल है। बहुत बढ़िया। और सामने अपने को बॉस की बेस में देखने को मिल गया। और आई थिंक ये नहीं नहीं ये नॉर्मल ग्रास नहीं है, ये कस्टम टेक्सचर है। और यहाँ पे एक डॉग्स दिख रहा है अपने को। अरे ये तो पूरा ब्लू कलर का है, क्या नाम है, स्टीव। ओके, हेलो स्टीव, हाउ आर यू ईटिंग। ओके, ये खाएगा, बहुत बढ़िया, इसे खिला देते हैं। ओके, अपने को भी चाहिए खाना, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें और ये सब तो दिख रहा है, मेन अपना ये वाला बॉस की घर है। और देख लेता हूँ और कुछ बाकी है, कुछ छूट गया कि नहीं। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। और मैं ये ऊपर वाला रूप खाली कर रहा हूँ, कॉज मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे भागने की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से भाग लूँगा। और ये बॉस तो फुल नेदर राइट के आर्मर पहना है, तो इसे मार के देखते हैं। अरे यार, इसके पास टोटम भी है। अरे अरे, इसकी अटैक डैमेज। ओ भाई, मैं मेका आर्मर पहना हूँ, मेका आर्मर की तो कोई इज्जत ही नहीं है यार।
ये कितनी पावरफुल है। इसके बाद फिर भी नेदर राइट की स्वॉर्ड है, मेरा स्वॉर्ड तो इससे भी खतरनाक है, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ और ऊपर से टोटम भी है। तो आई थिंक मुझे यहाँ से इसकी हेल्थ को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा ये बॉस इतना ही पावरफुल कैसे हो सकता है। ओके थोड़े और नीचे से। ओके एरियल क्रोसी जो भी है इसका नाम, चलो मर गया, इसका खेल ख़त्म। और नीचे चलते ऐसे यहाँ से देख लेते क्या है। नॉट बैड, सही है, काम चला, लूट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से गोल्ड एंड डायमंड चुभने वाला हूँ। ओके गाइस तो इसमें और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। मैं बोलने जा रहा था इसमें और कुछ नहीं है और साथ ही साथ ये वाला स्ट्रक्चर स्पॉन हो गया। चलो मैं वही तो सोचूं वर्जन 2 में कुछ चेंजेस नहीं लाया, तो फाइनली वर्जन 2 में बहुत कुछ चेंजेस आया है। सो देखते हैं अंदर क्या है। ओके पिगमैन कैलेक्टर जो भी है पढ़ नहीं पाया। ओके कोई बात नहीं अंदर चलते हैं। ओके वेट अ मिनट, इसको फायर से डैमेज मिल रहा है। अरे यार अपना मुखड़ा तो दिखाओ। अरे क्या शर्माना। ओके ये अपना मुखड़ा नहीं दिख रहा है, बाकी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ के बॉस को हम लोग अंडरस्ट नहीं कर सकते। ये 5 टाइटन क्रिएटर की बॉस है तो पावरफुल तो ज़रूर होगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो इसके टाइटन मॉड्स, वो काफ़ी पावरफुल मॉड्स है। ओके इन सबको मार देते हैं, ठीक है ये लोग एग्री होते हैं मेरे ऊपर, बहुत बढ़िया। बाकी ये सब बच्चे कच्चे हैं तो मेन बॉस के पास चलते हैं। कमॉन बॉस ऊपर आ जा, ठीक है टोटम हाथ में ले लेता हूँ। ओके बॉस भी ऊपर आ चुका है एंड अपनी हंगर बार भी फुल कर लेते हैं, ठीक है सारी चीज़ें आ चुका है। एंड मैं शील्ड यूज़ करने वाला, मुझे टोटम पे भरोसा नहीं आ रहा है। कमॉन जय महेश्वति। ये पगला गया है। आजा मुझे मार। यार ऐसा मारना तो नहीं चाहिए बट मुझे भी नहीं मालूम इसकी पावर कितना है। वन शॉट किल कर दिया, तो पिछले वाला बॉस तो मुझे बस 2-3 शॉट पे मार दिया था, अभी मार नहीं वाला था ये एम टाइम पे मैं भाग गया था। ओके ये भी मेरे ऊपर पगला है, देख व्हाट द हैक। ठीक है इसकी हेल्थ उतनी खास नहीं है, थोड़े और डाउन करके मैं इसके साथ फाइट लूँगा, इतने में चलेगा। चलो नीचे चलते हैं एंड हाथ में टोटम लेते हैं फॉर इनकेस अगर कुछ हो गया तो। चलो नीचे चलते हैं एंड देखते हैं ये कितना पावरफुल है। अरे 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 यार, ओके इसने बस मुझे 2 हिट मारा और मैं ख़त्म। भाई साहब सच में बता रहा हूँ मेका आर्मर की कोई इज्जत नहीं है, और ये तो सबसे इजी वाले बॉस थे, तब तो मेन 2 डायमेंशन की है, वो फ्लिंट वाले और लैपिस वाले, तो उसमें जाने से पहले अपने को गॉड आर्मर बनाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। ओके तो आज की एक अपडेट आया है, अपनी क्रैक पैक 3 में कुछ अपडेट आया है। सो उसकी फर्स्ट अपडेट आज दिखा देता हूँ जो है एंड डायमेंशन की। तो एंड पे जाने के लिए अपने को एंडर पल की बहुत ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे पिगलिन से ट्रेड कर रहा हूँ और इतने ट्रेड करने के बाद मुझे बस 6 एंडर पल मिला है, 3 तो मैं खुद लाया था। एंड मैंने बहुत देर तक उस पिगलिन के साथ ट्रेड किया और फाइनली अपने को एंडर पल मिल चुका है। सो आई ऑफ एंडर बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा बस थोड़े ही बना लूँगा। ओके थोड़े और, पूरे 2 ही बना लेता हूँ, 4 आ चुके अपने पास। और कहाँ पे फेंकूँ इसे, एक मिनट मुझे पता है अगर मैं फेंकूँगा तो एक साथ 3-4 चले जाएंगे, हाँ ऐसे। ओके तो इस डायरेक्शन में मुझे जाना है एंड अपने एंडर पर्ल को भी ले लेते हैं अपने साथ। अरे एक बार देख लेते हैं कोऑर्डिनेट। ओके एक्स डाउन एंड वाई अप, कोई बात नहीं, जेड अप। फाइनली अपने को मिल चुका है एंड पोर्टल, ये विलेज के नीचे ही है। एंड मेरी स्काई ग्लिच को इग्नोर मार दो, इसमें स्काई टेक्सचर में कुछ ग्लिच हो चुका है। वेल नीचे चलते हैं एंड देखते हैं।
बूस्ट पिकैक्स एंड बूस्ट। मुझे थोड़े बहुत ग्लिच पे दिख रहा है, आई होप आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो एंड पोर्टल साइड में ही है, ये आ गया। चलो थोड़े और नीचे एंड तोड़ते हैं। व्हाट द हैक, यहाँ पे लावा था, मुझे लगा एंड पोर्टल वाला लावा होगा। कोई बात नहीं, इन्हें ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं एक ही जगह तीन चार बार गोल गोल घूमने वाला हूँ, मुझे पता है। चलो फाइनली गोल गोल रानी करने के बाद अपने को मिला है पोर्टल, और इसको तोड़ते हैं। चलो यहाँ पे कोई काम नहीं है, और इन लावा वावा इन सब को क्लियर कर देते यहाँ से, बेकार में काम खराब। कुछ ऐसे जस्ट लाइक दैट, और इन सब को उठा लेते हैं यहाँ से। वेलकम यू इन द एंड, और ये एंड बाकी एंड की तरह नहीं है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस आया है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। और इसमें एक मॉप आया है जो आप लोगों को रैंडमली इफेक्ट दे रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या इफेक्ट मुझे ये दिए जा रहा है। चल ऊपर जाके देखते हैं इस मॉप्स को, कम ऑन इसे तोड़ते हैं यार, ऊपर ऊपर। वाह क्या बात है एंडरमैन, और ये यहाँ पर है। ओके एंडरमैन जैसा ही दिखता है, लेट्स गो। अब चलते हैं मेन चीज़ की ओर, कम ऑन ठीक जगह से टेलीपोर्ट कर। ओके वाव एकदम सही जगह पे इसने मुझे टेलीपोर्ट किया है। वेलकम यू द ब्रांड न्यू एंड डायमेंशन। ओके ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये एंड की एक न्यू बायोम है, और ये मॉड पैक कल ही रिलीज़ हुआ है, आई मीन ये थर्सडे को रिलीज़ हुआ है। जो लोग मॉड क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को ये मॉड पैक ऑलरेडी मिल चुका है। बाकी इसीलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट मॉड क्रिएटर्स। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में इस क्रिएटर की लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा इसकी लिंक, तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड ये वाले क्या है, एक बार देखूँ तो क्या है, क्या ये चीज़ रूट। ओके छोड़ दो, दांत टूट जाएगा इसे प्रोनाउंस करने में। छोड़ो मेरी प्रोनाउंसेंस ऐसा ही है, प्रोनाउंसेंस भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। के ये वुड नहीं है, मुझे लगा वुड होगा, या फिर इसके अपडेट पे इसे वुड बनाया जाएगा। यह अभी फंगस है, और यह अभी बीटा स्टेज में है, तो इसकी बहुत सारे अपडेट आने वाला है। अभी के लिए इसमें दो ही मॉब्स है अपने को, एक तो दिख रहा है यार, इसकी हेड मिल जाए तो काम बन जाएगा। अरे यार इसकी भी एक प्रॉब्लम है, ये उल्टा सीधा इफेक्ट देते रहते हैं, या बूस्ट दे हेल्थ बूस्ट, या फिर हेस्ट दे, ये नहीं इसे बस लाइन ब्लाइंडनेस। और यहाँ पर एक अपने को रुइन शिप मिल गया, इसमें स्ट्रक्चर भी है बट कुछ खास नहीं है अभी के लिए। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है लूट नॉट बैड, बट मेरे काम की चीज़ नहीं है ये लूट। और अपने को एक और बायोम देखने को मिल चुका है, जो अभी के लिए तो छोड़ देते हैं, बिकॉज मैं इसमें किसी और काम के लिए आया था, ड्रैगन विथ कलेक्ट करने के लिए, बट वही मैंने अभी तक किया नहीं। सो सैड। ओके तो मैं वापस आ चुका हूँ ड्रैगन ब्रीथ कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज अभी अपने को ड्रैगन को स्पॉन करना है एंड चीज़ें है। ओके मैंने लाया है, क्योंकि कल मैं बनाने वाला हूँ एक ओपी चीज़, उसके लिए अपने को ड्रैगन ब्रीथ की ज़रूरत है। और मैं फर्स्ट टाइम जब ड्रैगन को मार रहा था, मुझे खुद भी ख्याल नहीं है कि मुझे ड्रैगन ब्रीथ लेना है, और अभी मैं फिर से इसे रिस्पॉन करने वाला हूँ। मतलब काम खराब टाइम पास, और क्या ही बोलूँ। और मैं कभी भी ड्रैगन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, कॉजेज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। ओके तो मैं ड्रैगन भी वहाँ से कलेक्ट कर लिया है, वो सारी चीज़ें आपको फिर से नहीं दिखाना चाहता था। तो वेल अपने लिए सारी चीज़ें अब आ चुका है, अगले एपिसोड में हम लोग बनाने वाले एंजल आर्मर और कुछ ओपी टूल्स। सो अगले एपिसोड के लिए रेडी रहना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आरा आरा सायोनारा।